नमस्कार मित्रों, बातों बातों में कि आज की कड़ी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा 126वां भाग प्रसारित हो रहा है और हमारी अतिथि बनी हैं देश की जानी मानी ओडिसी नृत्यांगना सुश्री गीता महालिक जी। वे नई दिल्ली में रहती हैं और उनका दुनिया में नाम है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में सुश्री गीता महालिक जी का अवदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें लगभग 40 से भी अधिक वर्ष लगातार नृत्य की साधना करते हुए, नृत्य का प्रदर्शन करते हुए, नृत्य पर विचार करते हुए व्यतीत हुआ है। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने को तैयार हुई और अपने अनुभव साझा करने के लिए सहमत हुई हैं। वे कुछ ही देर में हमारे बीच पधारेंगी, हम उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ जीवन और सृजन, लाइफ और क्रिएशन पर बात करेंगे। उनकी यात्रा के बारे में जानेंगे, उनकी यात्रा के पड़ावों और उपलब्धियों के बारे में उनके मुँह से सुनेंगे। मैं राजेंद्र जी का स्वागत करता हूँ, संयम जैन जी का स्वागत करता हूँ, मेरे और भी जो मित्र आदरणीय अनिल चौबे सर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुनीता सिंह जी, कपिल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। आप में से बहुत से ऐसे मित्र हैं जो इस कार्यक्रम का लगातार हिस्सा बने रहे हैं और इस प्रकल्प को आप सभी ने प्रोत्साहित किया है और इस धरातल पर पहुंचाया है कि इसकी चर्चा होती है और कलाकार इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज देश की और भी ओडिसी नृत्यांगनाएं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में जो दूसरी नृत्यांगनाएं हैं वे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी, इसमें शामिल होंगी, क्योंकि गीता जी का स्थान बहुत उच्च है और इस समय जो कंटेम्प्रेरी सीन में नृत्यांगनाओं का जो हमारे बीच उपस्थिति का परिदृश्य में है उसमें गीता जी की जगह बहुत उच्च है। मैं सभी का स्वागत करता हूं और कुछ ही देर में जैसे ही गीता जी आती हम इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। इस बीच में अपने मित्रों से जो इस समय उपस्थित थे सभी से बात कर लेता हूं कि आज का इतवार आपका अच्छा रहा होगा, अच्छा व्यतीत हुआ होगा, घर में, परिवार में, विभिन्न कार्यक्रमों के साथ, गतिविधियों के साथ और मनपसंद व्यंजनों के साथ, इत्मीनान के साथ। यह भी उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा, सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे और जो कुछ भी हम सबको इस समय सावधानियां बरतने को कहा गया है वो सावधानियां भी बरत रहे होंगे। शुभदा जी, आप सबके प्रोत्साहित करने से ही ये कोशिश सफल हो पाई है और ये सही बात है कि अगर उसमें समर्थन की ऊर्जा ना हो, अगर उसमें प्रोत्साहन की ऊर्जा ना हो तो कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। उस तरह से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। रामरत पांडे जी आला गायक पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आकाश जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम देखते हैं थोड़ी देर में बस उनका आगमन होता ही है गीता जी का, हम उनसे जुड़ जाएंगे और अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। विजया जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम जब हमने आरंभ किया था तब प्रतिदिन हम इसको किया करते थे क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सब तरफ अवकाश घोषित था और किसी को कहीं जाना आना नहीं था तो इसको रोज कर पाना आसान था। अब लेकिन जैसे जैसे काम के संस्थान, कार्यालय, दफ्तर, ऑफिस खुलना शुरू हुए, सभी के लिए नियमित रूप से गतिविधियाँ और कार्य करने की बाध्यताएँ और परिस्थितियाँ शुरू हुई हैं तो हमने इसको हफ्ते में 4 दिन किया है
और मैं अपने मित्रों से साझा करना चाहूँगा कि ये संभव है कि अक्टूबर माह से मैं इसको और भी रिवाइज करूँ और भी संशोधित करूँ। मानसिंह भोंदिया जी आपका भी नमस्कार, गीता जी आ गई हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं उनके साथ। बस हम लोग कुछ ही क्षण में जुड़ जाएंगे और हमारे साथी सभी देख सकेंगे गीता जी को भी और मुझे भी। नेटवर्क अपना काम कर रहा है, पहुंच रहा है, पहुंचने की कोशिश, जोड़ रहा है, जोड़ने की कोशिश। आकाश कश्यप जी, हम सभी कनेक्ट होने की प्रतीक्षा में, मैंने उनको रिसीव करने की पहल की है लेकिन अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। हम फिर से प्रयास करेंगे। नमस्ते राज जी, मैं पुनः उनको जोड़ने की पहल कर रहा हूं, कहीं कुछ छोटा मोटा कुल मिला के कनेक्ट होने में नेटवर्क ही सेतु है, नेटवर्क ही व्यवधान भी है। सुरुचि मोहता जी आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, आप हमेशा इस कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं, इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती रही हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गीता जी से जुड़े उसके उसकी पहल कर रहे हैं, नेटवर्क की कोई थोड़ी सी दुविधा है। सुंदरलाल मालवीय जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। रविवार की शाम का एक अपना ही अंदाज है। पूरे दिन जुड़ने में कुछ दुविधा आ रही है लगातार, दूसरी बार भी डिस्कनेक्ट हुआ है। अभी ये पुनः जब जुड़ने का प्रस्ताव करेंगे तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। लक्ष्मण सिंह जी आपका भी स्वागत है, गीता जी पुनः आ गई हैं, मैं फिर से जुड़ता हूं। विजुअली रिसीव करने के लिए मैंने अपील भेजी है गीता जी आपको, जैसे ये कनेक्ट करेगी सीधे, यही प्रक्रिया भी है, यही तरीका भी है। मुझे लगता है कि आपकी तरफ कुछ नेटवर्क कमजोर है जो जोड़ नहीं पा रहा है। हम कोशिश में हैं जुड़े, जुड़ना ही शेष है, फिर तो बात चल पड़ेगी। फिर से डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं पुनः कोशिश कर रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है? वाह वाह,
नमस्कार। मुझे लग रहा था कि मेरी अर्जी मंजूर क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं क्या बात है। नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, अभी हो जाएगा, 1 सेकेंड, क्योंकि मैं आपको जी देख सकती हूँ, मैं खुद को नहीं हाँ देख सकती नहीं जी बोले, कुछ इसको करना पड़ेगा। करते नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रहा। वो बैक हो गया, फ्रंट फ्रंट वाला फ्रंट करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ? हाँ इसमें मैं अब अभी यूज दिख टू रही नहीं हैं हूँ, आप। हाँ अभी 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 तो दिखी नहीं आप, नहीं, अभी नहीं दिख रही अभी हूँ, इससे पहले नहीं आप नहीं दिखी दिख थी जरा सा। रही, नहीं हाँ अभी देख रहे हैं, इस समय दिख रही हैं आप। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ नहीं, नहीं, मैं भी इस खुद को देख सकती हूँ ना, आना चाहिए। मैं हाँ आपको नहीं, आप मेरे को देख सकते हैं? हाँ मैं देख रहा हूँ इस समय, आप दिख रही हैं मुझे। चलिए फिर, मैं खुद को तो नहीं देख सकती लेकिन बात तो कर सकते हैं। नहीं, कैंसिल कर। आप दिख रही हैं मुझे यहाँ सबको, हमारे लोगों अच्छा को भी। अब अच्छा अभी बंद हुआ फिर से, मेरे को देख पा रही हैं आप? मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं आपको देख पा रही जी हूँ। जी चलिए बात करते हैं, पहले तो आपको नमस्ते करती हूँ मैं। नहीं मेरा प्रणाम स्वीकार नमस्कार। कीजिए। अरे आपका थोड़ा बहुत और धन्यवाद, आपने याद किए मुझे। हाँ ठीक है, अभी ठीक हाँ है, अब ये फ्रेम ठीक, एकदम ठीक ठीक है है। अच्छा इस। ओके। हाँ अभी अभी आप दिख रहे हो? नहीं, मैं खुद को नहीं देख सकती हूँ, मैं आपको देखती हूँ, वो काफी है। अभी किसको बुलाया, वो हाँ आके थोड़ा कर लेगा तो ठीक है, बाद में लेकिन हम बातचीत शुरू कर सकते हैं, अभी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बड़ी जिज्ञासा ये जानने की कि ये कोरोना के 4-5 महीने की जो ये समय रहा, इसको आपने कैसे व्यतीत किया है? कोरोना तो सारा देश, हमारा देश का सारा पृथ्वी में तो ऐसा ही हो गया है। और शुरू शुरू में तो हमें तो बहुत डर तो लग रहा था, कहीं निकलते नहीं थे, कुछ नहीं है, और घर में बैठ बैठ के बोर भी हो जाते थे। लेकिन ये अच्छा, क्लासेस भी हमारे जो मेरा इंस्टीट्यूशन है वो भी बंद है, क्योंकि बच्चे तो नहीं आ रहे। पहले हम हाँ सोच रहे थे कि क्या करेंगे, ऑनलाइन में हम कोशिश किए क्लास करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स बोलते कि ऑनलाइन हम करके बच्चे भी ऑनलाइन में अपना मतलब स्कूल के जो क्लासेस वो कर रहे हैं, और दूसरा फिर डांस की क्लास करेंगे तो उनकी आंखें खराब हो जाएगा ऐसे करके। अच्छा। बट 1 महीना तो ऐसे चला, उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस भी किया, और थोड़ा बहुत मैं खुद को, मैंने सोचा कि क्या करूं, मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं हो पाया, परफॉर्मेंस तो सारा बंद हो गया है, और हमने सोचा कि हाँ चलो परफॉर्मेंस नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन हमने खुद थोड़ा सा कोरियोग्राफी करने के लिए कोशिश किए, और नए कोरियोग्राफी मैंने 2-3 नए कोरियोग्राफी, मेरे पास म्यूजिक था और म्यूजिक करके लाई थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रोग्राम में और सब में हमने थोड़ा सा बिजी रहे। उसके बाद फिर उसके थोड़ा सा मैंने कोरियोग्राफी किया। 1 सेकंड सुनील जी, वो आए हैं मेरा, ये थोड़ा सा देख लेंगे, मैं खुद को नहीं देख हाँ पा रही। हाँ वो मेरे को देख पा रही है, लेकिन मैं हाँ मुझे शो हो रही है गीता जी भी। आपको भी शो रहे थोड़ा तो देख सकते हैं, ये कुछ करेगा इसको इससे वो पीछे हो रही है, हम। इससे पीछे हो रही है। अच्छा अभी आप देख पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं आपको देख पा रहा हूँ। अच्छा आप मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हो ना? हाँ मोबाइल से कर रही हूँ। हाँ मोबाइल से ठीक है, हाँ लेकिन किसको करने से, मैं खुद को भी देख सकती हूँ? मोबाइल से देख सकते हैं अभी नहीं जैसे नहीं मतलब कौन सा आप जो निशान है उसको मतलब टैप करने से, मैं क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने कभी किया नहीं था, हमने तो जूम में किया है, वो व्हाट्सएप जो में किया। आपने मेरे को फॉलो कर रखा है कि नहीं ये बताओ पहले।
आपका बस टैप कर दिया था मैंने लाइव का जो है नहीं, लाइव उससे जो पहले आपने, जैसे हमने आपको फॉलो किया है, वैसे आपने हमको फॉलो किया है कि नहीं? फॉलो तो पहले से किया था हमने। हाँ, तो अगर हम लोग एक दूसरे को फॉलो किए हैं तो फिर दिखना चाहिए, हमारे हाँ सभी मैं सभी देखने वालों आपको को दिख रहा है ना। ये नहीं पता नहीं, अब ये आपने रिप्लाई मिल जाएगा। निकल के मैं अभी अच्छा जो जो लोग ऑनलाइन हैं, एक बार मैं निकल के फिर दोबारा करती हूँ एक सेकंड। हाँ ये लिंक आपको हाँ, शेयर कीजिए, ये लिंक आप चेक कर आपको, लेना, मुझे फॉलो नहीं किया, बाकी सब लोग देख पा रहे हैं आपको। गीता जी स्वयं को नहीं देख पा रही हैं, 50% मुझे देख पा रही हैं, तो मैंने वही उनको पूछा कि शायद उन्होंने हमको फॉलो ना किया हो, मैंने ही उनको फॉलो कर रखा है, क्योंकि जुड़ने में वो ऐसा कुछ आया था इशू, मुझे लग रहा था कि किसी एक ने फॉलो नहीं किया है। हाँ, ये देखिए, अभी आ गया आ था। गया ना। हाँ थैंक यू हाँ, क्योंकि नहीं तो लगता नहीं ना, नहीं लगेगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। यू नो खुद को भी देखना चाहिए और आपको भी देखना चाहिए ना, मैं देख सकती हूँ अभी तो। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी चलो तो उसी तरह थोड़ा सा हमने किया। एक सेकंड सुनील जी, एक्सक्यूज मी। जी पांडे जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए अभी आराम से बात करते हैं। चलिए आप पूछ रहे थे कि मैंने कैसे किया जो कोरोना के समय में, हाँ वही मैं बता रही थी। हाँ दो तीन मेरे पास हाँ म्यूजिक में करके लाई थी मैंने उड़ीसा से, तो उसको मैंने कोरियोग्राफी नहीं किया था। फिर बाद में मैंने कहा कि चलो इसी को मतलब टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, यही कोरियोग्राफी करते। फिर हमने कोरियोग्राफी किया, उसके बाद थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू किया है। अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है और बस उसी तरह घर से बाहर तो निकल ही नहीं रहे। ऑनलाइन इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, कभी जो भी है नहीं तो निकल ही नहीं रहे, ऐसे ही चल रहा है। ये अच्छा, कोरोना तो मार्च में जब इसका प्रकोप हुआ था, हाँ जी बिल्कुल, और उसके पहले आपकी कुछ प्लानिंग बनी होगी, मई अप्रैल मई जून की कहीं कहीं जाने की प्रोग्राम? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मार्च में तो हुआ था, तो मैं उड़ीसा गई थी। उसके बाद मतलब वो कोरोना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था तब मैं उड़ीसा में प्रोग्राम था, मैं गई थी। उसके बाद हम आगे हमने सोचा चलो ये थोड़ा सा 6 महीने की होगा, 6 महीने तो नहीं चलेगा, एक हफ्ता 2 हफ्ता होगा खत्म, तो क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी न्यू ना, किसी को नहीं पता है कि ये क्या है, ये जो बीमारी जो है। तो हाँ उसके बाद मेरा हैबिटेट में भी था, जुलाई में था, मैंने बुक करके रखी थी 18th को, तो नहीं जून में था, जून में, तो वो भी मैंने कैंसिल किया क्योंकि हर साल मैं एक नया प्रोडक्शन जो है वो करती हूँ, हैबिटेट में ही करती हूँ पहले, तो वो मैंने कैंसिल किया। उसके बाद उड़ीसा में कैंसिल हो गया उसी तरह। तो ना चलो प्रोग्राम कैंसिल हुआ कुछ नहीं है, लेकिन एक सुनील जी कलाकार के लिए एक होता है ना उम्मीद होती है, क्योंकि हाँ ठीक है हाँ प्रोग्राम आएगा और उसी में ना फिर कुछ करने के लिए मूड भी बनता है। जैसे हम कहते हैं ना जो हाँ विजुअल आर्ट है, जब तक ऑडियंस नहीं होते हैं तब तक कलाकार को मन नहीं करता डांस करने के लिए। इसीलिए जब भी मैं टीवी में करती हूँ ना मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता है, क्योंकि वो जो बेजान कैमरा है उसको देख के क्या प्रोग्राम मतलब परफॉर्म क्या करे, एक भी कोई बंदा भाव है तो तब भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह वो कोई आमने सामने की आई कांटेक्ट नहीं होता, कोई भाव चेहरे पर नहीं आता, ना ही हमको पता चल पाता है कि सामने जो देखने वाला वो क्या सोच रहा है। हाँ ये है, तो वही ऑडियंस जब नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर किसी ने कहा कि चलो ठीक है ऑनलाइन में फेस्टिवल कर देंगे, तो कर ही रहे फेस्टिवल, अभी तक तो मैंने किया नहीं है। देखो बाद में जब मतलब जरूरी होगा कि ठीक है ये ठीक होने वाला नहीं है, कोई मतलब स्टेज में हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अभी, तभी हम करेंगे,
लेकिन क्या है, ऑनलाइन में वही चीज हो गया ना कि मजा तो नहीं आएगा, लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब देखिए आप जैसे गुणी लोग, हम लोग जो दोपहर में बात कर रहे थे, हाँ जी आपको ये सब चीजों का अंदाजा है कि कैसे प्रस्तुति के साथ साथ जब फेसबुक या कहीं भी मैच्योर होगा तो 15 सेकंड का एक स्पेस है, तो राग ताल गलत होने का संकेत है या बैलेंस हाँ बिगड़ने का जी संकेत है। हाँ वो भी चीज है, क्योंकि अभी भी मैंने जब क्लास लेती हूँ ना सुनील जी, इसमें ऑनलाइन में म्यूजिक में चलाती हूँ, हाँ लेकिन म्यूजिक पहुंचते पहुंचते जैसे आप जानते हैं ना 15 सेकंड 10 सेकंड इधर उधर हो जाता है, तो मुझे लगता है ये बच्ची तो फिर ताल का गड़बड़ कर रही है, ताल में नहीं जा रहा है। फिर मैंने दिमाग में मेरा आया, अरे नहीं ये तो लाइव नहीं है, ये तो चल रहा है ऐसे, तो शायद उसी की वजह से ऐसे ही हो रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है अभी तक। आपके भोपाल में कैसे है? भोपाल में भी पेशेंट तो मतलब भोपाल जिले के हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी अधिक है। दो अच्छा सौ दो सौ ढाई 250 का रेशो है पर डे, ओहो जो कि बहुत सारे। पहले 40-50 था। हाँ जी हाँ तो जी अब इधर हम देखते हैं दिल्ली में 2,500 3,000 पर डे है, हाँ बहुत तो बहुत हो गया है, इसीलिए तो हम या बाहर ही निकलेंगे। बॉम्बे में भी बॉम्बे बहुत है। में बॉम्बे में भी बहुत है, महाराष्ट्र में। तो ये यहाँ ये बड़े शहर बेंगलोर हैदराबाद, यहाँ पर भी हजारों से अधिक संख्या है। हाँ जी तो हाँ ये अभी बहुत तेजी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और इसका जो भी एक हाइप है, जितनी भी इसको हाइप क्रिएट करना है, उसके बाद ये कब कब उतरेगा ये कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी गीता जी, आपको कुछ अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कुछ ध्यान है कि ऐसा कोई वक्त और भी आया था जब दो चार छह कभी महीने नहीं ऐसे तो कभी, आई थिंक किसी ने, किसी को नहीं पता होगा ये वाला, पहले तो किसी का भी नहीं, मतलब मैं क्या, मेरी माँ बाबा उनकी जो है और भी उनके पापा मामा उनका साथ भी ये नहीं होगा। ये बिल्कुल तो एक अजीब किस्म की है जो दिखता नहीं है कि क्या है। ठीक है जैसे कि हमें हमें लगता है कि ठीक है कोई मलेरिया हुआ कोई फ्लू हुआ तो ठीक है, हमको पता है दवाई खा लेंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज है, जैसे मैं कहीं भी जाऊंगी दूसरा दूसरा तीसरा लोग को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास ये वायरस है कि नहीं है, मुझे भी पता नहीं चलेगा कि वो बंदा को है कि नहीं। हम तो अच्छा से बात करके आ हाँ जाएंगे, लेकिन बाद में फिर वही है, वायरस है उसी के अंदर, तो पता तो नहीं चलता है। जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं है तो तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। इस पूरे पीरियड में जब आपको घर में ही रहना पड़ा, तो आपने अपनी जर्नी को लेके कुछ रिवाइव किया होगा, सोचा विचारा होगा कि एक पूरी यात्रा जो आपने कला की है इतना लंबा समय, उसकी कुछ महत्वपूर्ण यादें आपको आती होंगी याद दोबारा। याद तो आती है कि आप जैसे आप जानते हैं मेरा तो, मैं उड़िया हूँ, उड़ीसा में मेरा जन्म है, पढ़ाई भी उड़ीसा में हुआ, सब कुछ है, मैं उड़िया उड़ीसा की जी बेटी हूँ, उड़ीसा की बहू भी हूँ। तो शुरू से जैसे बचपन से मेरे को ये डांस सीखने के लिए बहुत मन था। उस समय की डांस ही सीखना है, ओडिसी है कि भरतनाट्यम है कि कथक है, उसका तो हमको कुछ पता नहीं था कि क्या क्या फर्क है क्या है, लेकिन डांस सीखना है। और ओडिशा में ना सुनील जी ओडिसी ही चलती है, ओडिसी, और ओडिशा में और तो कुछ भी नहीं है, सभी ओडिसी ही सीखते हैं। तो बचपन से मैं फिर सीखने लगी, और मेरे पहले गुरु जो है गुरु श्री देव प्रसाद दास है, तो अभी तो वो जी रहे जी नहीं है, वो मैं छोटी सी थी कोई 5-6 साल की होगी, उसी समय मेरे पैर में उन्होंने ही पहले मेरा घुंघरू बांधे थे, और वो घर पर आके मेरे को सिखाते थे, और कभी कभी मैं भी चले जाती थी। वो जो है ना गुरु शिष्य परंपरा का जैसे होता था उसी हिसाब से हम सीखते थे। तो उनको शायद कुछ लगा होगा कि मेरे अंदर कुछ है टैलेंट, गुरु को तो पता चल जाता है ना। अभी मैं एक्सपीरियंस हूँ कि एक छोटे बच्चे 4-5 जने कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बच्ची का पास है टैलेंट, वो बच्ची कोशिश करेगी तो ज्यादा अच्छा करेगी। तो वो हर टाइम मेरे को याद है, मेरी माँ को वो बोलते थे कि मौसी मौसी करके बुलाते थे कि मौसी ये आपकी बेटी है ना, इसको डांस बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल वो करती रहे कि उसको सिखाते रहिए, ये बड़े होके बड़े अच्छा डांसर बनेगी।
उस समय हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरा मन था कि मुझे डांस सीखना है। घर में सब सपोर्ट करते थे, ज्यादातर मेरी माँ जो है वो बहुत सपोर्ट करती थी, और बाबा जो है सपोर्ट करते थे, लेकिन ये है कि हम 6 बहन रहे तो वो, और मेरा नंबर है 5 भाई बहन, वी आर 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बड़े बड़े फैमिली है जैसे पहले होता था। तो वो सोचते मेरे ऊपर, और बहन भी थे भाई भी थे, वो बोलते कि मतलब शादी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, उसके बाद अच्छा लड़का मिलेगा, शादी करा देंगे, उसके बाद तुम जो मर्जी तुम करो। उस समय हम शुरू करेंगे जो हमारे पैशन है, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसे थे, चलो सीखना है तो सीख लो। और वो उड़ीसा गवर्नमेंट का ऑफिसर थे, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते, मतलब पोस्टेड पोस्टिंग के लिए वो जाके वहां रहते थे, और हम लोग कटक में रहते थे मेरी माँ के साथ। तो मेरा सीखना तो ऐसे चला, कोई मतलब ये नहीं था, बाधा नहीं था। एक दिन मेरे को याद है कुछ प्रोग्राम, 5-6 साल की हुई होगी तभी, कोई प्रोग्राम था, और हम देव प्रसाद दास जी, हम उनको देवसार बुलाते थे, सार बुलाते थे, आजकल गुरु जी बुलाते हैं, हम लोग सार बुलाते हैं। तो देवसार आए और मेरे को मेकअप ड्रेसिंग वगैरह करके साथ ले गए, चलो तेरे को वहां पे प्रोग्राम है करा क्या। जब प्रोग्राम खत्म करके हम वापस आए, तब देखा बाबा बैठे हैं ड्राइंग रूम में, बोलते कहाँ गए थे, फिर मेरा मेकअप वगैरह देख लिए, बोलते अच्छा डांस के लिए गए, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट सेशन हुआ, बाबा मेरे को ले गए अपना साथ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वो पोस्टेड थे ढेंकानाल करके, तो वहीं पर ले गए, बोलते यही पढ़ाई करो। और मैं तो क्लास मेरे ख्याल में 4th में या ऐसे होगी, 4th 5th में होगी शायद। तो लेकिन फिर बाद में आगे कटक आगे, पूरी आगे पोस्टेड हो गए, फिर मैंने सीखने लगी देवसार के पास, मैंने आखिरी तक मैंने सीखा। जब भी हम शादी के बाद हमने मतलब दिल्ली आए, तभी भी देवसार भारतीय कला केंद्र में वो थे, तभी उन दिनों में भारतीय कला केंद्र नया नया हुआ था, तो उन्होंने वो सिखा रहे थे मेरे को, आके घर पर सिखा रहे थे, मैं नहीं जाती थी भारतीय कला केंद्र में। और उसके बाद फिर वो चले गए उड़ीसा, वापस चले गए। फिर मैंने कहा कि अभी मैं किससे सीखूंगी, बोलता कि तुम थे गुरु मायाधर जी देरी है उनके पास चले जाओ। फिर मैंने गुरु जी के पास गए, मायाधर जी के पास गई, मैंने उनके पास सीखा। उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको उन्हें भेजा है तो चलो एक कुछ करके दिखाओ। फिर मैंने एक मेरे को याद है एक उड़िया गाने की मेरे को देवसार ने सिखाए थे अभिनय, तो वो अभिनय मैंने करके दिखाया उनको, मुहामुही किशोर चंद्रिका अचर, जैसे राधा यमुना के तट पर जाती है पानी लेने के लिए, तो वहां पे किशन जी के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है, जब आंख में आंख मिल रहा है तो वो कैसे उनके जो मनोभाव क्या है, तो उसी के ऊपर वो जो अभिनय वो मैंने करके दिखाई, तो गुरु जी को अच्छा लगा होगा, बोलते कि अच्छा तुम मेरे से सीख सकते हो, मैं पास हो गई इंटरव्यू में कि हाँ मैं आप सीख सकते हो। फिर उनके पास मैंने 6-7 साल सीखा, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो खुद कुछ करें, जब तक हम गुरु जी को डिपेंड करेंगे तो हम कुछ अपना जो क्रिएटिविटी वो फिर आगे भी नहीं जाएगा, ना हम कुछ कोरियोग्राफी कर सकते, क्योंकि वी ऑलवेज यूज टू डिपेंडेंट ऑन गुरु जी सिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर गुरु जी भी मेरे को बोले कि नहीं नहीं तुम कोशिश करो कुछ सीख करो कुछ नहीं। फिर हमने थोड़ा बहुत मतलब कोशिश किया, एक कोरियोग्राफी की, फिर एक मेरे को याद है मैंने फर्स्ट कोरियोग्राफी मैंने एक जगन्नाथ महिमा मैंने किया था, भगवान श्री जगन्नाथ जी के भिन्न भिन्न रूप के ऊपर ऐसे करके मैंने किया था, और वो मैंने परफॉर्म करी थी वृंदावन में, शरद उत्सव हुआ करता था उन दिनों में, यूपी गवर्नमेंट करते थे शरद उत्सव, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म करी। और मैंने उस समय मैंने अनाउंस नहीं किया कि कोरियोग्राफी बाय गीता महानी, मैंने बस कर दिया। तो उसके बाद मोहन खोकर जी थे, आपको याद होगा, वो आए थे भी प्रोग्राम के लिए, उन्होंने बैक स्टेज में आए और खास करके मेरे को मिलने के लिए और मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए उसी आइटम के लिए। तब मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि आपसे मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट मिला, ये बहुत बड़ी बात है और मैं और आगे जा सकती हूँ, मुझे वो इंस्पिरेशन मिला कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उसी तरह फिर आगे बढ़ते गए।
ऐसे चलते रहा। गुरु जी मायाधर राव जी की क्या विशेषताएं थी, उनको सिखाने का तरीका गुरु मायाधर उनका? जी के जो विशेषता है वो मतलब देखिए, उड़ीसा में हमारे गुरु श्री पंकज चरण दास वो सबसे जी मतलब सीनियर रहे, उनके बाद जी गुरु केलुचरण महापात्र जी, उनके बाद गुरु श्री देव प्रसाद दास और गुरु माधव राव, ये चार जो गुरु हैं वो हाँ सबसे मतलब सीनियर रहे, और उनके चारों के मतलब जो है आई थिंक पहले हमारे ओडिसी ऐसे हुआ करता था, जैसे मैं कॉलेज में जब पढ़ती थी तभी भी स्कूल में भी हमने एक आइटम हम करने के लिए जाएंगे, कोई 10 मिनट का आइटम होता था, 8 मिनट 10 मिनट इसी तरह, तो थोड़ा सा मंगलाचरण हो जाता था उसी बीच में, जैसे पुष्पांजलि दिए भगवान को, पुष्पांजलि दिए उसके बाद जो हम कहते हैं बट्टू, बट्टू प्योर डांस है तो बट्टू से थोड़ा सा उसमें हो गया, उसके बाद थोड़ी सी जो है अभिनय, अभिनय पोर्शन पोर्शन जो है एक स्टांजा या दो स्टांजा वो करके फिर मोक्ष वो हो जाता था, नहीं तो मंगलाचरण फिर पल्लवी प्योर डांस है, पल्लवी के साथ थोड़ा सा अभिनय उसके बाद मोक्ष करके वो खत्म हो जाता था। ये जो फुल इवनिंग प्रोग्राम जो है उस समय इतना नहीं होता था, तो ये चार हमारे जो गुरु जी सब है उन्होंने बैठ बैठ के जयंती का नाम के एक वो करके तो उसको थोड़ा सा मोडिफाई किए, बोलते नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम, मंगलाचरण अलग कर देंगे, बट्टू अलग कर देंगे, पल्लवी भी अलग अलग करेंगे, कोई 8 मिनट का कोई 10 मिनट का इसी तरह हम करके फिर उसको मॉडिफाई करके सब अलग अलग 5 मिनट कोई 8 मिनट कोई 10 मिनट करके फिर मोक्ष करके उसको खत्म करके ऐसे किए। तो सारे गुरु जी के जो उड़ीसी के लिए अवदान है जो कंट्रीब्यूशन है वो तो मतलब आज जैसे आप लोग देखते हैं उड़ीसी सब उन्हीं के वजह से ऐसे है। गुरु पंकज चरण दास के जो है वो थोड़ा सा महारी स्टाइल है, महारी स्टाइल जैसे हमारे ये कहते हैं आजकल घराना है, घराना जैसे कथक में जो घराना होता है वो ज्यादातर एक घराना से दूसरे जो घराना है काफी डिफरेंस है, लेकिन उड़ीसी में मेरे हिसाब से ऐसे घराना ऐसे कुछ नहीं, नहीं। इतना मतलब डिफरेंस नहीं है घराना जो है, जैसे गुरु माधव जी जो है और गुरुदेव प्रसाद, हाँ गुरुदेव प्रसाद दास के जो स्टाइल थोड़ा सा अलग था, स्टाइल मतलब थोड़ा सा समथिंग वेरी स्पेशल जो है वो था शब्द पाठ, वो डांस के अंदर शब्द पाठ का व्यवहार करते थे, जैसे कि हाँ शब्द जैसे शिव जी का सोच लीजिए हुआ एक आइटम, उसके उसी के बीच में उन्होंने शब्द पाठ करते थे, जैसे कि शिव जी का जो स्तुति है और उसके बीच में जैसे जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम नीलिम पनी जरी बिलो रवि जी पल्लरी विराजमान मूर्तम, जैसे धगत 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 ज्वला लला टपट टपाप के किशोर चंद्र चंद्रिका रति प्रति क्षण मम, इसी तरह मतलब नॉट इन द राग ऐसे बोलने का जो तरीका उसको शब्द पाठ कहते हैं, वो शब्द पाठ का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनका था वो स्पेशल कंट्रीब्यूशन जो है। और गुरु जो हमारे पंकज सार जो है उन्हीं का तो महारी स्टाइल में था, तेलुगु सार का भी महारी स्टाइल और देवदासी स्टाइल वो सब बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब कंट्रीब्यूशन उनका है, बड़े अच्छे अच्छे जो आइटम उन्होंने सारा किए हैं, और गुरु मायाधर जी का भी ऐसे है। और गुरु मायाधर जी का मैं जो महसूस किया एक जैसे वो एक अभिनय कंपोजिशन वो करेंगे गीत गोविंद हो या उड़िया अभिनय हो, तो उसी में उन्होंने ज्यादातर जैसे फुटवर्क उतना नहीं देते थे, इफ इट इज ए एक होता है ना जैसे क्या उसको कहते हैं जैसे अभिनय और प्योर डांस मिला के जो होता था वो अलग बात है, तो प्योर डांस में भी किया अभिनय का भी फुटवर्क हो गया, जैसे हमने गीत गोविंद करेंगे
सोच लीजिए, याही माधव याही केशव नावद कैतब बातम। याही माधव, राधा तो इतना विरह में बैठी है और माधव नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो देखा है उनके लगता है कि उन्होंने दूसरे जो नारी के पास पूरा रात बिता कर आए हैं। तो राधा के जो मनोभाव जो है उसमें जब हम फुटवर्क डालेंगे या जर्किंग मूवमेंट डालेंगे तो वो जो फेशियल अभिनय जो है, जो चेहरा पे जो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो तो फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हम फुटवर्क करेंगे पीपल वुड सी आवर फुटवर्क ओनली, सो दे विल इग्नोर द फेशियल एक्सप्रेशन। तो उसी हिसाब से गुरु माधव जी को, मेरे को जितना मैं महसूस किया है, तो उन्होंने इतना फुटवर्क नहीं देते थे और अभिनय के ऊपर ज्यादा जोर देते थे, और जितना फुटवर्क चाहिए उतना तो होगा, या हैंड मूवमेंट और ये जो है टर्सो मूवमेंट होगा वो तो चलेगा, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि वो उनका थोड़ा सा मुझे अलग लगा इस हिसाब लगा, से लगा। हाँ, और दूसरी बात है उनके संचारी भाव, संचारी भाव। हालांकि मैं जब मैंने बड़ी हुई तो मैंने देवप्रसाद दास के पास सीखा था, उसके बाद माधव साहब के पास मैंने सीखा है। हालांकि मैं छोटे जब थी मैं कला विकास केंद्र हुआ करता था कटक में, एंड दैट वाज ओनली वन इंस्टीट्यूशन तभी था जहाँ के सब बच्चे जाके डांस सीखते थे, वहां पर भी मैं जाती थी और सारे गुरु जी वहां पर भी आके सिखाते थे, गुरु केलू चरण महापात्र जी, गुरु पंकज चरण दास जी सभी आके वहां पे सिखाते थे। तो उस समय तो मैं बच्ची थी, थोड़ा जो भी सीखा है, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने जो सीखा गुरुदेव प्रसाद दास के पास, तो ये जो मैंने बताया आपके उनको सत पाठ जो है, और गुरु जी जो मायाधर सार के पास जो मैंने, उनका संचारी भाव, संचारी भाव जैसे है कि एक लाइन को उन्होंने चार पांच बार अलग अलग तरीका के दिखाते थे, तो वो संचारी संचारी भाव। जैसे जैसे राधा जाती है चुपके, बांसुरी की आवाज जब उनके कान में पड़ती है तो वो क्या करती है, रात को देखती है कि सारे सब सोए हैं, वो चुपके घर से निकल के चले जाती है। तो किसी तरह वो एक लाइन है गाने में, तो उसी को वो पूरा संचारी भाव में पूरा हम लोग दिखाते थे कि कैसे दिखे, देखे सास भी सोए हैं, ननंद भी सोए, वो चुपके जाती है और जाके वहां पे देखा सारा दरवाजा वो बंद करती है। तो ये संचारी भाव एक स्टोरी जैसे वो अलग अलग करके वो दिखाते, तो दैट वाज आई फेल्ट इट वाज हिज कंट्रीब्यूशन व्हाट एवर आई फेल्ट। तो ये एक वो ओडिसी में अक्सर पल्लवी राधा की कथा के बारे में मैंने सुना सुन रखा है। एक दो साल पहले हम एक शिल्पकार जो है उड़ीसा के, उनके संपर्क में आए थे, उनके साथ हम बैठ के बात कर रहे थे। तो शिल्पकार वो काफी पुराने हैं और पत्थर पे बहुत अच्छा काम किए, तो उन्होंने मुझे पल्लवी राधा की पूरी कथा सुनाई थी, जिसमें श्री कृष्ण और राधा में पल्लवी राधा एक कोई दूसरा स्वरूप है जिनके साथ वो होते हैं और वो पूरी प्रस्तुति होती है, फिर बाद में राधा की शिकायत जो की त्यों बनी रहती है कि वो उनको क्यों नहीं मिले। वो भी बता रहे थे कि वो ओडिसी में नृत्य में अक्सर ऐसा प्रयोग किया जाता है, वो आपकी जानकारी में है? नहीं, पल्लवी राधा मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, वो और उन्होंने बात, मैंने कहा था कि इसको आप और एक्सप्लेन करना, तो वो अभी ड्यू है, कभी दोबारा जब उनको मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे हाँ, शायद अच्छा होगा तो हम भी जानेंगे, तो हम भी उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं, पल्लवी राधा जो है बता रहे, लेकिन मेरी जानकारी नहीं है पल्लवी राधा। हाँ, ये है कि जैसे चंद्रावली के पास जाते थे, चंद्रावली भी उनके राधा के अलावा जो दूसरी सखी थी, तो चंद्रावली थी, चंद्रावली के पास कृष्ण भी, मतलब वो भी काफी प्रिय थे कृष्ण जी की, तो वो है तो उनके पास जाते थे तो यहाँ राधा अभिमान करके बैठती थी कि आपने चंद्रावली के साथ रात गुजारे और मैं यहाँ पर बैठी हूँ सारा श्रृंगार करके, आप आए नहीं है, उसके ऊपर भी हमने डांस ड्रामा किया है। तो लेकिन ये पल्लवी राधा समथिंग वेरी न्यू, आपको जानकारी होगा तो आप जरूर बताइएगा मुझे भी। उसमें वो राधा की छवि है, पल्लवी राधा की, पर वो एक्चुअल राधा नहीं है, ये एक बात आई है उसमें। आपको हाँ अभी आ गए, आई थिंक आपका लाइट चली, लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा लाइट, पर हमारा हमारा ये बल्ब वो है फिलिप्स वाला जो बंद लाइट पे जल जाता है दोबारा, रिचार्ज वाला ना। अच्छा अच्छा चलिए, आजकल ऐसे
ऐसे बहुत से आविष्कार हो गए जो हम लोगों को कई बार मदद करते हैं, नहीं तो अभी हाँ यही तो है, क्योंकि ये जो थोड़ी देर सारा में। ऑनलाइन का ना, इतना हम भी इतना ये नहीं है, टेक्निकली सभी नहीं है, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है ना, बच्चे मेरे स्टूडेंट आके सब कर देते हैं, मेरे को बता भी देते हैं। अभी जैसे नहीं हुआ था ना, ऊपर एक मेरी स्टूडेंट रहती है, मैंने उसको बुलाया कि आके थोड़ा सा कर कुछ, ये क्यों नहीं दिख रहे, सुनील जी तो दिख रहे हैं, तो मैं खुद को नहीं देख पाती, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता ना, अनलेस आई ऑल्सो सी यू और आप भी मुझे देख सकते हैं, तो उसने आके कर दिया। और ये सारा चीज हम भी अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, जितना जरूरत होता है तो हम लोग कर ही लेते हैं, तो यही चल रहा है पास। ये तो है। देखिए मैं आपको बताऊं कि पंडित किशन महाराज जी को तो आपने नाम सुना ही होगा, हाँ जी तबला इतने बिल्कुल वर्ल्ड, बिल्कुल वो 80 साल की उम्र में एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते थे, तब मुझे भी नहीं आता था। अच्छा अब उनको अच्छा गए हुए कितना साल हो, जब मैंने 10 12 15 साल पहले उनके हाथ पे वो फोन देखा बड़ा सा, हाँ तो जी उन्होंने अपने घर में, जो उनके घर में गणेश जी है उनकी मूर्ति दिखाई, सब वो जिस तरह चला रहे थे, तो मुझे भी लगा कि ये तो मैं कभी नहीं चला पाऊंगा ऐसा फोन। फिर अच्छा बाद में अच्छा वो ठीक अब है सब हाँ अभ्यास पे आ गया हम लोगों के जीवन में हाँ सारा, तो सब सीखना ये पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम के हिसाब से सारा सीखना पड़ेगा, और क्या करेंगे। अभी विधा लाल जी भी ज्वाइन किए हैं, शायद उनको नमस्ते करती हूँ मैं। हाँ 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 नाम आया उनका स्क्रीन में। हाँ विधा जी ने भी हमको स्वीकृति दी है, आने वाले दिनों में एक दिन वो आएंगी बिल्कुल कार्यक्रम में। बिल्कुल हाँ, शी इज अ वेरी टैलेंटेड, वेरी नाइस कथक डांसर, तो बहुत हाँ अच्छा, बहुत और वो बोलती भी बहुत अच्छा है। एक मेरा डांस ड्रामा था द्रौपदी अंतिम प्रश्न, हाँ द्रौपदी अंतिम प्रश्न डांस ड्रामा, उसी में थोड़ा सा डायलॉग था हिंदी में, और हाँ मैं हाँ जितना म्यूजिक जाके उड़ीसा में मैं कराती हूँ, इधर नहीं, सारे म्यूजिशियन सारे गुरु को लेती हूँ, बिकॉज इट शुड बी ए वेरी टॉप क्लास प्रोडक्शन, ये मेरा हाँ हद तक मानना है, तो मैं उड़ीसा में जाके किया, तो सारा कुछ कर दिया, तो वो हिंदी का डायलॉग, जैसे उड़िया में तो हिंदी अच्छा नहीं बोल, आप अभी मतलब आपके साथ मैं बात करती हूँ, मेरा हिंदी तो आप जानते हैं इतना अच्छी नहीं है, हिंदी गलत भी हो जाता है, बट आई डोंट केयर, कि ठीक है मैं हर टाइम जैसे जाती हूँ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ। फिर मैंने उनको, एक बार मैं गई थी मेरठ, तो वहां पे कॉलेज में मैंने किया कि देखो, और सबने कहा कि देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना बहुत मतलब शैतान है, आपको बहुत रैगिंग करेंगे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे पता है कैसे बच्चों को संभालना होता है, फिर मैंने उनको शुरू से बोल दिया कि देखो हम आपके पास आए हैं यूपी में, और मैं हूँ उड़ीसा की, मुझे हिंदी इतना अच्छी तरह नहीं आती है, लेकिन मैं हिंदी में जरूर बोलूंगी, क्योंकि मैं आपकी जगह पे आई हूँ, और कहीं गलती वलती होगी तो आप माफ जरूर कर देना। फिर मैंने हिंदी में अच्छा से बात किया, तो देवर रियली इंप्रेस्ड कि हाँ ठीक है, इन्होंने अपने गलती भी मान लिया और अच्छा से, तो उनको मैंने काबू कर दिया। फिर स्पीक मार्क वालों ने बोला आप कैसे उनको चुपचाप करा दिया, मैंने कहा कि चलो ये है। तो विधालाल जी का क्या है ना, एक बार वो आए थे, फिर मैंने कहा कि अरे मैं कैसे करूंगी वो हिंदी का, फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अपना वॉइस में वो लास्ट वाला जो द्रौपदी का वो चीज उन्होंने दिया था, और बहुत अच्छा से उन्होंने बोला था, तो थैंक यू विधा बहुत अच्छा, नहीं, विदा जी अपनी जनरेशन में बहुत गुणी नृत्यांगना है और बहुत हाँ, आने दोनों वा... अभिमन्यु जी भी और विदा जी दोनों, और गीतांजलि तो जी और गुरु तो है, वो तो बस हमारे अच्छा फ्रेंड भी है वो। हाँ, अभी विदा जी आज हैं यहाँ पर, और कल रश्मि अग्रवाल जी से मैं बात कर रहा था जो गजल और सूफी सिंगिंग हाँ जी करती हाँ हैं, जी हाँ जी तो विदा जी और रश्मि जी सांची में आए थे, उन्होंने बुद्ध पर, एक बुद्ध और दूसरे सूफी संतों पर बहुत अच्छी प्रस्तुति नृत्य के साथ एकदम, तैयार अरे की थी, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ वो बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। तो ये सब आप सब गुणीजनों का सानिध्य हम जैसे लोगों को इस तरह के प्रयत्नों को सार्थक करता है जो आज हम बात कर पा रहे हैं, आपकी इतनी नहीं लंबी नहीं साधना। आप है, आप ही जब हम लोग को नहीं बुलाते हैं होंगे तभी हम तो प्रोग्राम नहीं कर पाते ना, और आप लोगों की नहीं जैसे आपने प्रोग्राम, खाली नहीं प्रोग्राम नहीं कराते हैं आप, उसको मतलब आपके भी मतलब कल्चरल फील्ड में आप है, और आप भी गुणी हैं, क्योंकि तो हमारे जो प्रोग्राम है उसको आप मतलब समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है, जब अप्रिशिएटिव ऑडियंस नहीं होंगे तो प्रोग्राम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए मजा नहीं आता है, तो ये चीज है। नहीं, हमेशा ये पूरे आज के समय में या हमेशा जो भी समय रहा है उसमें गुणी कलाकारों की कद्र होना ही चाहिए, जो जिन्होंने इतने परिश्रम से इतने मेहनत से अपनी जगह बनाई है।
कला का जी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी कोई इंस्टेंट बात पहले पहले जिस तरह से कॉफी बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, अब आजकल इंस्टेंट बन जाती है। हमारे पास इंस्टेंट कोई हमारे पास इंस्टेंट बनाने का कोई रास्ता नहीं है, ना आपके पास है। आई जो नो वर्ष लगना है, जो वर्ष लगना है, जो समय लगना है, आप संगीतांत एकेडमी पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, सब कुछ आपको, इतने यशस्वी पुरस्कार मिले, देश का कोई ऐसा फेस्टिवल ना हुआ गरिमामय जिसमें आपने नृत्य ना किया हो और अपने नृत्य से प्रभावित ना किया हो, ऐसा कोई आयोजन मुझे एकदम से याद ही नहीं पड़ता। इसके अलावा जो कुछ बहुत विशेष विषयों को लेकर जो आपने कोरियोग्राफिकल कार्यक्रम तैयार किए, वो उनमें से एक दो के बारे में जरूर आप बताइए तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगी। असल में जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि साल में एक बार मैंने एक न्यू प्रोडक्शन जरूर मैं करती हूँ, और ज्यादातर डांस ड्रामा ऐसे हमने तो एक एक आइटम जो है अभिनय आइटम हुआ है या ऐसे उसी तरह तो सोलो आइटम तो करते रहते हैं, लेकिन वो जो है मैंने डांस ड्रामा मैंने कई डांस ड्रामा मैंने किया। एक तो कृष्णा विलास मैंने किया था, और द्रौपदी अंतिम प्रश्न, देन उर्वशी, देन विष्णुपद रक्षामृत, अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने अग्नि किया है, अग्नि जो किया है तो उसी को थोड़ा सा मतलब अलग अलग थोड़ा सा कंसेप्ट लेके और उसी में थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसको मतलब अलग टाइप का बना के फिर उसका मैंने जो है कोरियोग्राफी करती हूँ। और डांस ड्रामा जैसे अग्नि का जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा ऐसे हिसाब मैंने लिया, मैंने उड़ीसा में किसी तो एक बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, बहुत गुणी हैं, तो उनको मैंने कहा कि ऐसे है मेरा जो है कॉन्सेप्ट ये है, आप अग्नि के बारे में आप लिखिए, क्योंकि वो लिरिक्स लिखेंगे तब तो हम उसमें सुर दे के फिर उनका डांस का वो होगा। तो मैंने उनको वही बताया, फिर बोलता कि नहीं, उनका हिसाब का जो थोड़ा सा मेंटल वो था, कॉन्सेप्ट था, वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने और किसी से फिर मैंने लिखवाया, मेरा अपना कंसेप्ट दिया। अग्नि जो है, अग्नि तो आप जानते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है अग्नि की जरूरत होती है, और जब हम आखिरी में संसार से जाते हैं वो भी अग्नि के साथ ही हम जाते हैं, तो वो है। तो वो हिसाब से जैसे पंचभूत ये के साथ में पंचभूत जो है उसमें से अग्नि एक है, तो लेकिन मैंने ऐसे किया अग्नि को कि जो डिफरेंट अग्नि है हमारा है, चिताग्नि है और प्रेमाग्नि है, और देन जो प्यार, जैसे प्रेमाग्नि में मैंने मीरा को लिया क्योंकि वो प्रेम करती थी, लेकिन वो जो प्रेम वो राधा के प्रेम से अलग है, वो दूसरे प्रेम है, भक्ति प्रेम है। तो क्रोधाग्नि लिया, क्रोधाग्नि मैंने लिया, क्रोधाग्नि में हमने लिया इसको क्या नाम है, मेनका, मेनका और उनके, हाँ तो उसी में कैसे उन्होंने नहीं, क्रोधाग्नि में मैंने वो लिया रति, रति मदन का लिया, रति मदन को कैसे भस्म कर दिए थे, और जो जो श्रृंगार रस में जो लिया उसमें मेनका को मैंने, विश्वामित्र और मेनका को वो लिया, ऐसे करके पांच भाग में मैंने उसको डाला, और उसी को मैंने डिफरेंट अग्नि, प्रेमाग्नि, देन क्रोधाग्नि और ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि में मैंने बुद्धदेव का कहानी को लिया सारा, मतलब 10-10 मिनट का इसी तरह, 10 मिनट का, 12 मिनट का ऐसे, और लास्ट में मैंने लिया कालाग्नि, कालाग्नि लिया। जैसे हम पैदा होते हैं तो उसके बाद हम जब जाते हैं तो काल, काल तो जाता अनवरत होता है ना काल जो है, हाँ। तो हम लोग तो मैंने पहले वो दिखाया काल, काल जैसे है पहले फूल पुष्प वृक्ष ये सारा, तो मैंने डांस में मैंने करके दिखाया कि कैसे हमने बीज डाल देते हैं वो बड़ा सा वृक्ष हो जाता है, फिर फूल ये होता है, ये सब दिखा के फिर हमने दिखाया कि काल आ रहा है, मतलब सिंबोलिकल मैंने दिखाया काल को, मैंने छऊ स्टाइल में दिखाया, काल आके उसको सारा ध्वंस कर देता है और उसके बाद फिर सारे लोग का मृत्यु हो जाता है, जैसे सारे चीज का मृत्यु हो जाता है, जैसे इंसान का भी पहले जन्म होता है और उसके बाद मृत्यु हो जाता है। तो राम नाम सत्य है, राम सत्य है, नाम सत्य है, उसी के साथ फिर मैंने किया क्या, लास्ट में वो देख दिखा रहे वो दिया लेके जाती है और उनके पीछे सब सब जो है ना वो लेके वो जा रहे, चार जने वो जा रहे, तो राम नाम सत्य है, सत्य
जो हम सत्य है नाम सत्य है, तो वो चीज जो दिखाया मैंने डिफरेंट वो करके, सबको बहुत पसंद आया और वो मेरे दिल का भी बहुत करीब रहा वो वाला जो प्रोडक्शन जो है। उसी तरह मैंने जैसे विष्णुपद और रसामृत जो डांस का मैंने किया था, तो वो उसी तरह मैंने दिखाया जो विष्णु जी का जो सेवा करते हैं, भगवान विष्णु की जो सेवा करते हैं उनके जो पद सेवा जो करते हैं उनको मोक्ष मिलता है। तो उन्होंने फिर मैंने देखा लक्ष्मी को दिखाया था, लक्ष्मी जी हत्या में आप देखोगे विष्णु ऐसे अनंत शयन में सोते हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दीपा ये करते हैं, देखते हैं ना हाँ, तो वो करते, तो इसीलिए लक्ष्मी जी को उन्होंने ये किया कि ठीक है तू संसार में तुम्हारा सबने तुम्हारे पूजा करेंगे। उसके बाद बलि जो बामन अवतार में आए थे वो बलि को उन्होंने पैर में ऐसे दबा दिया था नीचे पाताल में और उसको मोक्ष मोक्ष कर दिए थे। और राम अवतार में आए अहल्या को उनका जो पत्थर में उनका पाद पद्म पड़ा तो अहल्या फिर जीवंत हो गई थी। उसी तरह मैंने एक 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 करके वो करके मैंने दिखा था। तो उसी तरह थोड़ा बहुत मैंने जिस समय आता है कभी माइंड में कभी आ जाता कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ये चीज तो कभी कभी आ जाता है, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं नए नए टाइप के जो है तो उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। बच्चों को भी सिखाती हूँ, मेरे अच्छे अच्छे है रेपोटरी में बच्चे हैं बड़े बड़े हैं उनको लेके, अभी मैंने लास्ट ईयर रशिया गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमें भेजा था फेस्टिवल ऑफ रशिया फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रशिया, तो तीन प्रोग्राम हुआ था मॉस्को में अस्ट्राखान और दूसरा में जागा में, तो तीन प्रोग्राम में वहाँ पे भी काफी सबने पसंद किया एंड इट वॉज रियली मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और रशिया में आप तो जानते होंगे वो लोग तो इंडिया के जो फिल्म संघ राज कपूर वैजयंती माला से शुरू करके हमारे जो क्लासिकल डांसेस सब उन्होंने सीखा भी है सीख भी रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव तीन चार रशियन गर्ल्स आए मेरे को बैक स्टेज में मिलने के लिए और उन्होंने उड़ीसी सीख रहे हैं, तो उड़ीसी सीख रहे मतलब उन्होंने काफी अच्छा अप्रिशिएट भी किया कि हाँ उसी तरह इन्होंने मतलब हमें जो दिखाया सारा श्री राम के ऊपर मैंने किया था कृष्ण जी के ऊपर किया था इसी तरह, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो बाहर में जब अप्रिशिएट करते हैं हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि ठीक है हमारे क्योंकि वी आर ऑल द एम्बेसडर ऑफ इंडिया कल्चर को लेके हम जा रहे विदेश में, तो वहां पे जब हमें अप्रिशिएशन मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दूसरे देश विदेश में भी मैं भगवान जगन्नाथ की दया से कृपा से मैं बहुत गई हूँ सारे दुनिया में, मेरा अपना नृत्य प्रदर्शन मैंने की हूँ, तो आपने शायद मतलब बायोडाटा तो देखा होगा ऐसे कुछ नहीं भगवान की दया से गए सारे। आपका बायोडाटा इतना रिच है इतना समृद्ध है कि वो देख के मन खुश हो जाता है। अरे नहीं आप ऐसे बात नहीं, वो सारे तो मेरा जगन्नाथ जी के मेरे को लग रहा कभी कभी लगता है कि मैं शायद पिछले जन्म में जगन्नाथ जी के देवदासी थी मैं शायद देवदासी ऐसे लगता है कभी कभी आप विश्वास नहीं करेंगे। और जब मैं स्टेज के ऊपर डांस करती हूँ ना मुझे पता नहीं एकदम से, हालांकि हर कलाकार को वो महसूस होता होगा कि जब जगन्नाथ जी कोई भी भगवान के जो हम जो आइटम करते हैं तो वो श्रृंगार रस हो या भक्ति रस हो उसमें हम डूब जाते हैं एकदम मतलब रोटे खड़े हो जाते हैं कि लगता है कि मैं नहीं हूँ, मैं शायद राधा हूँ या मैं अहल्या हूँ उसी तरह, तो ऐसे ही लगता है भगवान के जो जगन्नाथ जी के। तो सारे विदेश में मैं गई इवन अफ्रीका में मैंने 13 कंट्रीज इन अफ्रीका छोटे छोटे कंट्री होते हैं ना अफ्रीका में, तो वहां पर भी मैंने हम लोग गए थे उस समय सोलो ही था मेरा लेकिन लेकिन वहां पे भी सबने पसंद किए कि इतना मतलब लगता नहीं था कि अफ्रीका में ये पसंद कर गए, जर्मनी में सारे जगह में ग्रीस स्पेन सब जगह में, ग्रीस में भी तो डेल्फी में भी मैंने किया था एम्पी थिएटर में और वहां तो सब संस्कृत भी समझते हैं ना संस्कृत समझते हैं, तो वो जैसे मैंने गीत गोविंद किया पहले मैंने सोचा था कि पता नहीं ये अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, मैं ज्यादा जो प्योर डांस में शायद मुझे करना चाहिए प्योर डांस ताकि थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे, अभिनय मैंने किया एक दो अभिनय किया बट दूसरे जगह में मैं जब गई तो मुझे फीडबैक मिला था कि नहीं दे रियली लाइक माय अभिनय,
मतलब वो संस्कृत भी समझते हैं, उसकी पहले भी थोड़ा हम बोल देते हैं और सारे जगह में। तो उन्होंने काफी मेरे को, जो हमारे उड़ीसी जो है, और उड़ीसी तो इतना लाश्य है, इतना लालित्य उसमें है, इतना भंगी भंगीमा जो है वो, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे ख्याल में सबको अच्छा लगता है। तो उसी में जब हम करेंगे, और अभिनय जो है ना सुनील जी, वो मेरा दिल के करीब है, अभिनय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभिनय जब करती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगी, बहुत मजे की बात। वही शरद उत्सव में, वृंदावन का शरद उत्सव की बात करूं, तो वहां पर मैंने शरद पूर्णिमा, तो वो मैंने किया था गीत गोविंद का, यामी है कमी है शरणम प्रसरति सशस्त्र बिम्बे भीत विलंबे च माधवे विधुरा। तो प्रसरति सशस्त्र बिम्बे में ऐसे बैठ के, वो पहले अभिनय ऐसे ऊपर से ऐसे करके देखती हूँ, सशस्त्र चंद्रमा मेरे मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर पड़ रहे थे, और उसी समय से मुझे लगा कि सचमुच मैं राधा हूँ और मैं कृष्ण जी के लिए बैठी हूँ, विरह होके बैठी हूँ, कृष्ण जी नहीं आए। तो यामी है कमी है शरण, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि कृष्ण जी नहीं आए, मैं किसकी शरण में जाऊँ। वो उसी दिन मेरे को कुछ, अभी मैं बोलती हूँ तभी भी मेरा लगता है कि शरण हो जाता है, रोटे खड़े हो जाते हैं। वो जो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, वहां पे हमने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ठहरे थे, और मॉर्निंग में मैंने देखा 8-10 जितना वहां पे जो वो है, जो आश्रम में रहते हैं, वो आए हैं कि आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा चलो मिलने के लिए आए हैं तो हम भी मिल लेते हैं, उनसे मिले। वो सीधा आके मेरे पैर छुए कि आप तो स्वयं राधा जी है, कल हमें लगा कि आप राधा ही है और आप कृष्ण जी के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब ये जो है ना, उनको जो मेरा जो वाइब्स जो है उनके पास भी गया है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और एक बार मैंने उड़ीसा में प्रोग्राम कर रही थी राउरकेला में, वहां पे मैंने देवी के ऊपर एक मैंने किया, दुर्गा के ऊपर, और दुर्गा की जो है ना शांत मूर्ति है और रौद्र मूर्ति है। जब मैंने रौद्र मूर्ति करी तो सामने जो लाइट रहता है ना, लाइट में वो येलो पेपर वगैरह सब, ब्लू येलो पेपर वगैरह देते हैं, तो इट जस्ट सो हैपेंड, जब मैंने ऐसे करके त्रिशूल को, महिषासुर को ये करके रौद्र मूर्ति में आंखें बड़े बड़े करके रौद्र मूर्ति के, उसी समय एक लाइट के जो जो पेपर था वो जलना शुरू किया। तो उसके बाद जब मैंने शांत मूर्ति किया तो अपना बुझ गया। इट वॉज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि वो जल के फिर बुझ गया, लेकिन जितने ऑडियंस थे तो उनको वो बाद में मेरे ऑनर में एक डिनर रखे थे, हमने जब खाना खा रहे थे तो आके मेरे को बोल रहे थे आपके रौद्र मूर्ति ऐसे ही था, आपने पूरा साक्षात देवी लग रहे थे और आपके आंख की जो जो ये है उसी में वो पेपर भी जलने शुरू किया, और आप जब जब शांत मूर्ति किए तो वो पेपर बुझ गया। मेरे को हंसी आई, मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, वो तो, लेकिन ये मैंने फिर बाद में महसूस किया कि वो बात तो अलग है, लेकिन हम जो अभिनय करते हैं तो वो जब हम सात्विक अभिनय करेंगे, सात्विक अभिनय जो है कि हम इसका अर्थ को समझते हैं, उसका अंदर की जो भाव है उसको हमने दिल में महसूस करते हैं, महसूस करने के बाद जब हम चेहरे पे लाते हैं वो होता है सात्विक अभिनय। जब हम सात्विक अभिनय करेंगे दैट वाइब्स विल गो टू द ऑडियंस, वो भी वो वाइब्स को उसको, वो भी उनको भी वो ही लगेगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है, मतलब वो उसका वाइब्स को उनका भी हो जाएगा। तो ये है अभिनय का जो है, ऐसे तो मतलब मुझे अच्छा लगता है अभिनय करने के लिए, और जो ऑडियंस है कभी अच्छा लगता होगा या नहीं है, लेकिन जब ये आके ऐसे ऐसे मेरे को फीडबैक मिलता है तो मैंने कहा कि चलो मेरा जीवन जो सार्थक हो गया है कि मुझे, तो उन लोग को भी अच्छा लगा मेरा अभिनय। यहाँ हमारा समय कंप्लीट होने वाला है। अच्छा जी, एक आधा मिनट बचा हुआ है। ये गीतिका त्यागी जी बहुत अच्छी अभिनेत्री है, उन्होंने पूछा था कि आपको किस देश में परफॉर्म करना अच्छा लगा, तो आपने तो कुछ देशों के बारे में बता ही दिया था मैंने, लगभग सभी जगह में जवाब गए। हाँ जी, गीतिका जी भी हमारी मेहमान होंगी आगे, बहुत गुणी अभिनेत्री है वो। चलिए नमस्कार गीतिका जी, आपको बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बात हुई, यादगार बातचीत,
और नहीं, मौका मुझे भी लगेगा तो बहुत ही हम अच्छा लगा, मौका लगेगा, ये टाइम का पाबंदी नहीं होता तो हम लोग और भी बात कर सकते थे, बातें करने में टाइम पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। लेकिन आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने मुझे याद किए और आपने इसमें आप आए, बुलाए, वो इट इज माई ऑनर, थैंक यू सो मच, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार।